बाई ओर लुटेरे दाई ओर लुटेरे तोपे दनादन चार चार लुटेरे एक साथ छू भी नहीं पाए मुझे हम फ्रीलांस पायलट्स हैं द बेस्ट सुनो जेंटलमैन शेर खान सिर्फ बेस्ट पायलट ही लेता है हम शेर खान के लिए उड़ाते हैं इसलिए हम हैं द बेस्ट ए मैन कमीज पे रहम कर यार हाँ जनवी लेकिन द बेस्ट है कौन फ्रीलांसर या खान के पायलट्स तुम्हारा जवाब तुम्हारे सामने है मैन दुनिया का नंबर वन पायलट बलू बर्फ हो या धूप लुटेरे हो या तूफान बलू करे सबका काम तमाम लोगे उससे हे लुई तुम्हारे पेड़ों की छटाई कर दी ठीक है ना शुक्रिया दिल जानी इसे माली की नौकरी तो मिल ही सकती है अरे यार लुई कोई आमरस वामरस तो पिलाओ वर्ल्ड के टॉप पायलट को अभी लाया मेरे आलू लेकिन पहले मिलाता हूँ एक नए फैन को अपने मेन मैन से तो मिलिए मेरे जिगरी अरे एक सेकंड पहले तो था कोई उसे उड़ा ले जा रहा है विमान हरण ऋतु पुलिस बुलाओ मेरा प्लेन उड़ा रहा है मैं तो तेरे क्या चाहिए तुम्हें मुझे क्या चाहिए पहले ये बताओ कि तुम एक मिनट बलू ये है प्रोफेसर मार्टिन तुर्क इन्होंने एक बड़ी रकम देकर सीडक किराए पर लिया है जिस पर वे अपना नया आविष्कार ऑटो एविएटर टेस्ट करेंगे ये कचालू का आलू मेरा प्लेन उड़ाएगा नहीं ये कचालू का आलू मेरा प्लेन उड़ाएगा उधर जाओ और उनसे माफी मांगो और अच्छी तरह पेश आओ अच्छी तरह पेश आएगी मेरी चूती डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ नाम है बलू वाह क्या टिन का डिब्बा है आपका जिसे तुम टिन का डिब्बा कह रहे हो एविएशन का भविष्य है और हमारा भविष्य बिगाड़ने वाला हा? आम पायलट्स के मुकाबले ऑटो एविएटर कभी भी अपने फ्लाइट प्लान से अलग नहीं होता ये है अल्टीमेट पायलट अल्टीमेट पायलट एफिशिएंट आज्ञाकारी गधा ये तो बड़ी मजे की चीज है ऑटो एविएटर इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करता इसे तुम्हारे इरादे खतरनाक लगे होंगे अभी दिखाता हूँ इसे खतरनाक इरादा अब सब गिने शिकवे दू ठीक है वैसे ऋतिका ने बता तो दिया होगा ना इस प्लेन के ऑल्टरेशंस के बारे में जैसे कि ये नीला बटन अब वैसे वो बटन तो ठीक है पर इस लाल बटन को भूल कर भी मत छूना नीला बटन अरे किट वो लाल बटन अच्छा था या वो नीला बटन बुरा था हो जाने तो टेस्ट ओवर फिर देखूंगा कौन है क्लेवर घंटों हो गए उनको गए हुए मेरे सीडक का तो अब तक कचूमर निकल गया होगा कचूमर क्यों निकलेगा देखो वो रहा ओ, बिना पंखों के तो नहीं ना वाओ रोबोट प्लेन उड़ा सकता है
मशीन है, फिर भी उड़ा सकता है। अब बलू, एक मिनट। इनको किसने बुलाया? उसी ने बुलाया। मशीनी पायलट, हे इधर देखो। इसे क्या रहते हैं? All right, मैं आपके सब सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको मिलवाऊंगा आसमान के बादशाह बलू से। बलू इधर आओ। क्या? नजर भर के देखो दोस्तों, आपके सामने है दुनिया का सबसे बढ़िया पायलट। Well, अब इतनी तारीफ के काबिल तो मैं। एक मिनट, यस, दोनों आपके सामने है आखिरी बार एक साथ, भूत का पायलट, भविष्य का पायलट, ऑटो एविएटर के साथ। जरा एक मिनट, वो लोहे का कठपुतला पायलट नहीं है, असली पायलट वो है जो तूफानों, हवाई लुटेरों, कड़कती बिजलियों का सामना कर सके। मेरा पायलट रात दिन उड़ सकता है, न खाता है न सोता है, न अपने हवाई रास्ते से अलग होता है, मगर तुम्हारे जैसे लोग डायनोसॉर्स की तरह हैं, सड़ान मारते, निकम्मे और गए गुजरे। गए गुजरे हाँ? तो ये ले। बेहद अक्खड़ इंसान। एकदम पागल मिस्टर खान। हाँ तो टेस्ट पूरे हो गए हैं, मेरी मशीन परफेक्ट है। तो आपका ऑर्डर कितना है मिस्टर खान? एक दर्जन ऑटो एविएटर्स का? मैंने खरीदने की बात नहीं की। बलू सही हो सकता है, शायद तुम्हारा रोबोट हर सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता। उस बेवकूफ की बातों पर यकीन कर लिया आपने? शांत रहो प्रोफेसर, अगर एक असली पायलट से मुकाबला हो और ऑटो एविएटर जीत जाए तो मैं 1000 रोबोट खरीदने पर गौर कर सकता हूँ। 1000? सोच लो। गुड नाइट। ऑल राइट मिस्टर खान, मैं साबित कर दूंगा कि मैंने परफेक्ट पायलट बनाया है। एंड आई विल डिस्ट्रॉय बलू। डिस्ट्रॉय बलू। ग्रेट बलू, तुम्हारे घुसे ने तुर्का का आसान कर दिया। यानी कि वो खुद पिटना चाहता था? वो तो सिर्फ पब्लिसिटी चाहता था जो तुमने उसे दिलवा दी। इन छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरे जैसे रहो कूल एंड कंपोज। तो फिर पंख कटे मुर्गे की तरह इधर उधर क्यों तड़फड़ा रही हो? इसलिए क्योंकि मैं एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट को एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीना भद्दा चश्मे वाला? यस। गया तुम्हारा बिजनेस हाथ से? क्या, मेरे क्लाइंट को छुओ मत। ये अब मेरा क्लाइंट है। ये नहीं हो सकता, ठीक है ना? अवल प्रोफेसर, तुम ठीक ही कहते हैं, मुझे ऑटो एविएटर ही चाहिए। वैसे तुम्हारे पुराने जमाने के कार्गो सर्विस से ये सस्ता भी है। पर मैंने तुम्हें फोन किए, मीटिंग्स रखी, लंच खिलाए और पूरे एक हफ्ते तक मैंने तुम्हारी सड़ी हुई बक बक सुनी। अरे शांत, शांता शांति। देखो प्रोफेसर, मैं तुम्हारे टिन के डिब्बे की कहानी से बोर हो चुका हूँ। मेरे ऑटो एविएटर को चैलेंज कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं। वाह, क्या मुकाबला होगा एविएशन के भविष्य के लिए, बलू वर्सेस ऑटो एविएटर। जीतने वाला होगा दुनिया का सबसे बेस्ट पायलट। और जीत होगी सिर्फ बेस्ट पायलट की। इस प्रकार हैं, टुंड्रा सिटी जाओ, कार को चढ़ाओ और कैप सूजक वापस आओ। पूरे ट्रिप लगेंगे 40 घंटे। किसे कुछ कहना है? लिखवा तो मेरा नाम विनर्स ट्रॉफी पर, नाम है बलू जिसमें लगा है बड़ाऊ। हाँ तो पायलट हो जाओ तैयार। अरे ये तो एकदम आसान रेस है। ऑन योर मार्क्स। रेस मत हारना बलू, वरना खान के पायलट बेरोजगार हो जाएंगे। हारना मत बलू, वरना फ्रीलांस पायलट बेरोजगार हो जाएंगे। रेस हार गए तो हायो फो हायो बर्बाद हो जाएगा। अरे फिक्र मत कर छोटू, दुनिया में कोई पापा बैर के मुकाबले में ठहर नहीं सकता। ऐसा हो तो अच्छा।
कल रात थोड़ा और सो लेना चाहिए था। अरे यार इस रेस ने तो बोर कर दिया। कार्गो कहाँ है? एक दो मिनट सोने से क्या फर्क पड़ेगा। नो, कोई टिन का डिब्बा पलू को नहीं हरा सकता। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आंखें खुली, सावधान। प्लान ए का वक्त। अरे जागो यार, प्लान बी ट्राई करते हैं। रोबो को हराना। अब कुछ मत कहना मुझसे। आज की पहला खबर, रोबोट रेस जीत गया। एविएशन की दुनिया में तहलका। ताजा खबर। हाल ही की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एविएशन की दुनिया में नई हलचल पैदा हो गई है। शेरखान ने प्रोफेसर मार्टिन ग्रुप से उसके नए आविष्कार ऑटो एविएटर के संपूर्ण अधिकार खरीद लिए है। हाल इंडस्ट्री दिन रात काम पर जुटी है। दूसरी शिपिंग कंपनी का काम ठप हो गया है। उनके पायलट बेरोजगार और लाचार हो गए हैं, पर कटे पंछियों की तरह। पसंद आया ये खिलौना। एक मशीनी पायलट, इधर उड़ता उधर उड़ता, पर हमेशा एक सीधी लाइन में। दुनिया कहे इसे चमत्कार नए जमाने का, पर मेरे चेलो, इस लंगड़ी बत्तख को इंतजार है हमारे निशाने का। यार अपनी तो दुकान पर। मैं जानती हूँ तुम्हारा कितना उधार है, पर देने को कुछ है ही नहीं। धंधा सभी का मंदा है। What? Same to you, buddy. Wrong number. मम्मी देखो पंतर क्या कहता है? कहता है हमारा बिजनेस बंद और कहता है कि बलू भी जा रहा है। पंतर ठीक कहता है चुनून। नहीं जा सकते तुम। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी बलू। डॉली बात को समझो, मैं खान के रोबोट से मुकाबला नहीं कर सकती। तो हम गरीब हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, एक दलाल हमारी मदद के लिए आ रहा है। वो सीडा खरीद रहा है। क्या? बिक जाने तो छोटू, बिक जाने तो। अबो
बताना चाहिए था ना, ताकि वो सीना को गुड बाय तो कर सकता। मैं बताना तो चाहती थी पर काश मैंने सीना को उस घटिया प्रोफेसर को ना दिया होता। ये लो दलाल आ गया। अब हे कैच, सीना की चाबियां या मुझे क्यों दे रही है? बालू के लिए, उसे कहो कि प्लेन घुमाने ले जाए कहीं भी फिशिंग करने। बोलो जरा जल्दी करे। अब हेलो, मैं अभी आपको ही फोन करूंगी। हमें ये जाम ऑटो एविएटर के नाम इतिहास की सबसे बड़ी खोज। इंडीड। हेलो रोबोट पर्सन, ये हूँ मैं, बम्बर डॉन कर्नल। मैं और मेरे फोन चार्ज लुटेरे तुम्हारे पिछाड़े लगे हैं। हम तुम्हें शूटिंग और लूटिंग करेंगे अब से ठीक 10 मिनट में। बधाई हो। मैं भी क्या हॉरर चीज हूँ। प्रोफेसर, तुम अपने रोबोट से रास्ता बदल के लुटेरों से बचने को कह सकते हो। 140 पर रास्ता बना। माय प्लान चेंज नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा इन्वेंटर बोलता हूँ। दाएं घूमो। माय प्लान चेंज नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स प्रोफेसर? वेल, लुटेरों के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक परफेक्ट पायलट हर हालात से निपटता है। तुमने कहा था तुम्हारे टिन के आदमी परफेक्ट हैं। तो अब मैं क्या करूं मिस्टर खान? I suggest you call for तुम लोग एक हारे हुए जुआरी के साथ क्यों लगे हो? ओ बलू, तुम हमें पसंद हो, तुम हमारे जिगनी हो और तुम ही तो बेस्ट हो। वैसे भी हम बेकार बैठे हैं। ओ सॉरी। मेरे मेरे शेरखान के प्लेन को मदद चाहिए। ओ सिट डाउन। जो भी सुन रहा है तुम्हारी मदद का शानदार इनाम मिलेगा। थोड़ी ही देर में हम पर लुटेरों का हमला होने वाला है माउंट रोजिका के पास। ये जगह पास ही तो है बलू, हमें मदद करनी चाहिए क्यों? नो थैंक यू, तुम क्यों ना जुबो को ही उन्हें बचाने दो। वो लुटेरे उनकी धज्जियां उड़ा देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उनके। हाँ, वो उनके छोटे छोटे चिंदी मिंदी नन्हे नन्हे टुकड़े कर देंगे। तो कोई असली पायलट मुझे बता सकता है? अब ऐसा असली पायलट कहाँ से ढूंढूं जो? ऑलराइट, समझ गया मैं। अब चलो बैठो प्लेन में। मैं तुम्हारा इन्वेंटर बोल रहा हूँ, बचने की कार्रवाई करो। मेरा सब्र खत्म हो रहा है प्रोफेसर। जैसे ही मैं उस प्लेन पर पहुंचू तुम खिसक लो, समझे? समझ गए। लुटेरे अब तो मर गए। कहो प्यारो, कैसा चल रहा है? बल्लू, प्रोफेसर की मशीन में कुछ खराबी आ गई है। एनी सजेशन? कोल्ड ड्रिंक कैसी रहेगी? ये तो इतना आसान है जैसे छोटे बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप खेलना। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। थोड़ी ठंडक पहुंचा दूं? खामोश प्रोफेसर, ये काम एक असली पायलट का है। वो भद्दी पायलट मशीन तो बलू जैसी। हाँ, उड़ाती भी बलू जैसी है। लो लो लो, भालू को शूट करो, खुद को नहीं। मेरी चमत्कारी खोपड़ी की चोपड़ी कहती है कि ये वक्त शायद चांद से पीछे लौटने का। भागो! कमाल कर दिया तुमने। शुक्रिया खानी, मेरे असली कमाल तो तुमने देखे नहीं। हाँ, देख लेंगे। एक्सक्यूज मी बलू,
तुमने मुझे निराश किया प्रोफेसर, बल्कि मुझे धोखा दिया। मगर मेरे पास एक इलाज है। सच? तुम मुझे मेरा सारा पैसा वापस कर दो और मैं तुम्हें तुम्हारे टीम के डिब्बे लौटा दूँ। क्या ख्याल है? खान इंडस्ट्रीज ने आज घोषणा की है कि उसने अपने सभी रोबोट कचरे में फेंक दिए हैं। सभी पायलट काम पर वापस रिपोर्ट करें। लेकिन बलू, पहले ये नेक काम तो कर लो। तुम कहते हो तो जरूर। मुझे याद आया, बलू ये तो बताओ कि प्रोफेसर तुर्क का क्या हुआ? शायद टिन के डिब्बे बेच रहा होगा। यस लेडीज, ये देखिए नई चमत्कारी मशीनी नौकरानी, आपके घर के काम काज के लिए ये खाना पकाना और झाड़ू पोछा भी करती है। जल्दी खरीद लीजिए प्लीज। We'll be right back.